भोपाल नर्मदापुरम रेल ट्रैक पर बीटेक स्टूडेंट का शव मिला है। घटना स्थल मिडघाट सेक्शन में बरखेड़ा से थोड़ी दूर उसकी किराए से ली गई स्कूटी भी मिली है। मोबाइल उसके पास ही मिला है। स्टूडेंट के नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट आया है। स्क्रीनशॉट पर छात्र की फोटो है। इस पर लिखा है, गुस्ताख ए नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। मैसेज मिलते ही उसके दोस्त टीटी नगर थाने पहुंचे। इसी बीच रायसेन पुलिस ने स्टूडेंट का शव मिलने की सूचना मिली। बताया जाता है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि स्टूडेंट की मौत के बाद उसका मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा था। छात्र दो बहनों में इकलौता भाई था। मृतक के दोस्तों ने बताया कि छात्र के मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी की जानकारी उसके एक दोस्त प्रखर को थी। पुलिस प्रखर से पूछताछ कर रही है। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। पुलिस के मुताबिक मूलतः सिवनी मालवा निवासी निशांक राठौर उम्र 20 वर्ष पुत्र उमाशंकर राठौर भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज में बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट था। वह 2 साल तक इंद्रपुरी में हॉस्टल में रहा। हाल ही में हॉस्टल छोड़कर जवाहर चौक शास्त्री नगर में दोस्तों के साथ रूम शेयर कर रहा था। निशांक ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में खुद को नोएडा में सॉफ्टवेयर डेवलपर बताया है। रविवार दोपहर 3 बजे भोपाल के साकेत नगर परीक्षा केंद्र में ज्ञान देने आई बड़ी बहन से मिलने निकला था। यह बात उसके चचेरे भाई शशांक को बताई थी। रात 8 बजे उसके पिता और दोस्तों के पास उसके मोबाइल से उसका फोटो लगा मैसेज आया। मैसेज पढ़कर घबराए पिता ने बेटे के दोस्तों को फोन किया। दोस्त रात चचेरे भाई शशांक ने टीटी नगर थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। तब तक रायसेन पुलिस उसका शव बरखेड़ा इलाके के रेलवे ट्रैक से बरामद कर चुकी थी। निशांक के पिता उमाशंकर राठौर हरदा में सहकारिता विभाग में पदस्थ हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद देर रात वह भी बरखेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे। बेटे का शव देखने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। पुलिस ने भोपाल से रायसेन के बीच के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। निशांक अकेले ही स्कूटी से जाते हुए दिख रहा है। पुलिस ने मंडीदीप तक के फुटेज चेक की जिसमें वह अकेला ही दिखा। टीटी नगर टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने बताया कि रास्ते में उसने 450 रुपए का पेट्रोल भराया, तब भी वह अकेला था। रायसेन की बरखेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे निशांक के परिजन ने बताया कि वह गाड़ी चलाने का बहुत शौकीन था। ऐसे में पिता ने गाड़ी घर में रखवा दी थी। शौक पूरा करने के लिए वह भोपाल में 480 रुपए की हर रोज किराए पर गाड़ी लेता था। इसकी जानकारी उसके पिता को नहीं थी। निशांक के चचेरे भाई शशांक ने बताया कि उसने अपने दोस्त राज से रविवार दोपहर 12 बजे फोन पर बात की थी। इसके बाद उसकी अपने पापा से बात हुई। शशांक का कहना है कि देर शाम जब हम लोगों ने फोन लगाया तो रिसीव नहीं हुआ। यह सिलसिला देर रात तक चला। जब पता चला कि उसका शव रायसेन में मिला है तब भी उसका फोन चालू था। छात्र के लापता होने को लेकर 2 मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक में निशांक राठौर नाम के स्टेटस पर धार्मिक पोस्ट होना शेयर दिखा। वहीं दूसरी पोस्ट में निशांक के लापता होने का मैसेज वायरल हो रहा है। पत्रकार इन दोनों पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। नर्मदापुरम रेंज आईजी दीपिका सूरी, डीआईजी जेएस राजपूत, एसपी विकास कुमार सहवाल बरखेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे। वह रात करीब 3:30 बजे घटना को लेकर जांच करते रहे। एसपी विकास कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में छात्र के नाम से बनी आईडी से एक पोस्ट होने की पुष्टि हुई है। मोबाइल की जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि छात्र के मोबाइल से यह पोस्ट की गई है या फिर किसी दूसरे मोबाइल से आईडी ओपन कर पोस्ट अपलोड की गई है। सोमवार को छात्र का पीएम होगा। पुलिस घटना को लेकर रिक्रिएशन भी कराएगी। टीटी नगर टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का लग रहा है। छात्र के बारे में जानकारी मिली कि वह शेयर बाजार में निवेश भी करता है। आशंका है कि उसे घाटा लगा होगा और तनाव में आ गया होगा। हालांकि अभी पीएम रिपोर्ट समेत अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने के बाद उसकी मौत की वजह का खुलासा हो सकेगा। पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है। दीदी को मिलने जा रहा हूँ। दीदी को मिला मतलब नहीं मिला दीदी को। दीदी से उसने मतलब दीदी से उसकी बात हुई तो दीदी से नहीं मिला। उसके बाद उसने ना कॉल रिसीव किया ना कुछ रिसीव किया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ थाने आ गए जी। तो आपसे उसकी क्या बात हुई थी, कितने बजे हुई थी? सर मेरी तो सुबह ही बात हुई थी, मतलब हम लोग मिलने वाले थे।